अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बीटीसी की नेक्स्ट मूवमेंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बीटीसी की नेक्स्ट मूवमेंट क्या होगी, देखें। ये तो जो आपको ब्लू कलर की लाइन नज़र आ रही है, तो मैं इंडिकेटर यूज़ कर रहा हूँ। ये आपको बताता है कि आपने अभी बाय की कॉल लेनी है, सेल की लेनी है। देखें, यहाँ पे इसने मुझे कॉल दी थी कि आप सेल की कॉल ले लो, यहाँ पे इसने मुझे बाय की कॉल दे दी है कि आप बाय लगा दो, ठीक है। इसी तरह पीछे भी अगर आप देखें तो ये बाय सेल की कॉल ये आपको देता रहता है, ठीक है। तो मेन मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि नेक्स्ट मूवमेंट बीटीसी की क्या है। आपने देखा कि ये डिसेंगल ट्रायंगल आपके पास बन चुका है, ठीक है। डिसेंगल ट्रायंगल बना हुआ है और इसका मैंने वो चार्ट तो नहीं बनाया, लेकिन आप देख सकते हैं कि डिसेंगल ट्रायंगल है। और इसकी मेन जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये है कि ये जो भी जोन है, इसमें से अगर ये जहाँ पर भी ये ट्रेड हो रहा है, अगर इस जगह से ये थोड़ा नीचे आता है और ये अगर ब्रेक करता है 16,800 को, तो ये इसने नीचे चले जाना है, ठीक है। और ये 15,500 तक तकरीबन या 15 तक चला जाना है। और अगर ये ब्रेक करता है 16,900 को, अगर 16,900 को ब्रेक करता है तो ये आपको नज़र आएगा 17,800, 17,900 या 18,300 तक आपको ये नज़र आएगा। और अभी ये इस टाइम जिस तरह का ट्रायंगल बना है, इसके मुताबिक अभी आप कुछ भी नहीं कह सकते कि मार्केट ऊपर जाएगी या मार्केट नीचे आएगी। अभी इस तरह का ट्रायंगल है, ये आपको नहीं, कोई कन्फर्म नहीं है। इसके अंदर वॉल्यूम बड़ा है, आपको वॉल्यूम नज़र आ रहा होगा, मार्केट में वॉल्यूम बड़ा है, जिसकी वजह से। और ये आपको पता है पीछे क्रिसमस भी था और इस सीन में लोगों का था कि शायद मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन उस टाइम पे कोई इतना वो नहीं हुआ। तो अब ये नज़र आ रहा है कि मार्केट में एक या बड़ा पंप होने वाला है या बड़ा डंप होने जा रहा है। तो ये आपको किसी भी टाइम अचानक ही आपको नज़र आ जाएगा, आज भी नज़र आ सकता है और कल भी नज़र आ सकता है। तो वीडियो अच्छी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।